हेलो एवरीवन, मैं रूपाली एंड वंस अगेन वेलकम बैक टू रूपालीज किचन। तो फ्रेंड्स, आज आप लोगों के लिए कर आई हूँ सोया कीमा पाव की रेसिपी। तो ये बहुत ही मसालेदार और बहुत ही बढ़िया और बहुत ही डिलीशियस से ये रेसिपी बनके तैयार होती है और मेहमानों को आप बना के खिलाइए। अगर वो वेजिटेरियन हो तो बिल्कुल उंगलियाँ चाटते रह जाएंगे, इतनी डिलीशियस ये बनके तैयार होती है। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा वीडियो में आगे बढ़ने से पहले। तो चलिए यहाँ पे वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिया है सोया की जो ग्रैन्यूल्स होते हैं वो लिए हैं। उसकी जगह अगर आपके पास में सोया जो बड़े वाली बड़ी होती हैं वो लेना चाहें तो वो भी ले सकते हैं, बस उसे मिक्सर में हल्का सा ग्राइंड कर लीजिएगा। तो यहाँ पे हमें बहुत बारीक चूरा नहीं चाहिए, तो ये तो रेडीमेड आता है, इजीली मिल जाता है मार्केट में। तो मैंने यहाँ पे 1.5 कप इसे ले लिया है और यहाँ पे मैंने एक भगोनी में पानी को गर्म करने के लिए रखा था। अब उसमें मैं ये जो सोया के जो ग्रैन्यूल्स होते हैं उसे डाल दूंगी और बस इसे ढक के हमें रख देना है। एक 10 मिनट में ये फूल के तैयार हो जाते हैं, बहुत ही बढ़िया से ये फूल जाते हैं एकदम सॉफ्ट। तो यहाँ पे ऐसे मैंने ढक के रख दिया है। तो ये देखिए कितना बढ़िया फूल गए हैं और अब इसे मैं छान लूंगी, इसका पानी जो है अलग कर लेंगे। ध्यान रखिएगा इस पानी को आपको बिल्कुल फेंकना नहीं है, और लेकिन जब हम इसको छानेंगे तो इसमें जो जितना भी पानी होगा नहीं सोया ग्रैन्यूल्स में, मतलब इसका जो कीमा है इसमें, उस पानी को अच्छे से निचोड़ लेना है हमें। और इस पानी को हम फेंकेंगे नहीं, इस पानी को हम बाद में आगे रेसिपी में जब हम ग्रेवी बनाएंगे तो उसमें हम यूज़ करेंगे इसको। तो इसमें काफ़ी अच्छा फ्लेवर रहता है सोया चंक्स का, तो इसको मैं फेंकती नहीं हूँ, मैं इसी को ही यूज़ कर लेती हूँ रेसिपी में। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो ये देखिए हमारा ग्रैन्यूल्स कितने अच्छे से मैंने इसका पानी निकाल के कर लिया है और ये अब बिल्कुल ड्राई है। तो अब सबसे पहले कढ़ाई में तेल लेंगे। तो इसमें मैंने 3 पली के करीब तेल लिया है, तो इसमें तेल थोड़ा सा ज़्यादा लगता है क्योंकि ये सोया ग्रैन्यूल्स काफ़ी सूखे होते हैं, ड्राई होते हैं इसलिए। तो यहाँ पे मैंने तेल ज़्यादा गर्म नहीं था तभी मैंने इसमें 1 चम्मच के करीब लाल मिर्च डाली तो कलर अच्छा आएगा। फिर 2 हरी मिर्ची डाल दी थी इसमें कट की हुई, और यहाँ पे अदरक और लहसुन का पेस्ट लिया है मैंने, उसे डाल दिया इसमें और अच्छे से मिक्स कर लेंगे इसका। तब तक मिक्स करेंगे जब इसका कच्चापन निकल जाए। तो यहाँ पे मैंने 2 बड़े वाले जो प्याज होते हैं उनको बारीक कट कर लिया था, वो लिए हैं इसमें। तो यहाँ पे मुझे ग्रेवी थोड़ी सी ज़्यादा बनानी थी तो इसलिए मैंने 2 बड़े वाले प्याज लिए हैं, और अब इनको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और प्याज को भी हम अच्छे से इसमें पका लेंगे। इसको ट्रांसल्यूसेंट होने तक इसको अच्छे से हमें पका लेना है इसमें। तो अब यहाँ पे मैंने ये फ्रोज़न वाली मटर ली है, इस मटर को भी इसमें डाल लेंगे, उसको थोड़ा सा इसका भी कच्चापन दूर कर लेंगे पका के इसको। तो यहाँ पे ये मिक्सचर जो है वो बनके तैयार हो गया। अब मैं इसमें डाल रही हूँ नमक, और नमक डाल के भी इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे, इससे हमारा प्याज जल्दी पक जाएगा। अब यहाँ पे लिया हमने टमाटर, 1 बड़ा टमाटर मैंने लिया, उसको भी बारीक कट कर लिया था। अब उसे भी इसमें अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। तो ये देखिए यहाँ पे अब थोड़ा सा प्याज और ये सब पक चुका है, तो इसमें मैं डाल रही हूँ ड्राई मसाले, हल्दी, लाल मिर्च। यहाँ पे मैंने तीखी लाल मिर्च नहीं ली है, मेरी तो बिल्कुल नॉर्मल है। तो अब यहाँ पे हरा धनिया डाल दिया मैंने, तो इसलिए मैंने ज़्यादा लिया। अब 1/2 चम्मच गरम मसाला और 1/2 चम्मच के करीब जीरा पाउडर, और 1 चम्मच मैंने यहाँ पर चिकन मसाला लिया है। अगर आप चिकन मसाला नहीं डालना चाहते हैं तो उसकी जगह आप किचन किंग मसाला जो आता है वो भी डाल सकते हैं, तो या फिर इसको स्किप भी कर सकते हैं, कुछ ऐसा ज़रूरी नहीं है, पर इससे थोड़ा सा अच्छा स्वाद आता है। अब यहाँ पर जो हमने पानी रखा हुआ था उस पानी को डाल के सोया चंक्स का जो पानी था ग्रेन्यूल्स का, वो पानी मैंने इसमें डाला है। हमें इसकी ग्रेवी बनानी है, तब मैं इसे 5 मिनट के लिए ढक के पका लेंगे। ये देखिए 5 मिनट बाद हमारी ग्रेवी लगभग बनके तैयार है। ये देखिए कितना अच्छा कलर आया है सब्जी में। अगर ऑयल आपका गर्म ना हो, उसमें अगर 1 चम्मच पहले ही आपने लाल मिर्च डाल दो तो कलर बहुत अच्छा आता है। अब यहाँ पे मैं ले रही हूँ 1 स्टिक बटर की, इसमें बटर का फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है क्योंकि सोया में जो होता है उसमें कोई फैट नहीं होता है, वो विदाउट फैट होता है, तो उसमें फैट हम अलग से डालेंगे और इसका स्वाद भी बहुत अच्छा आता है, आप डाल के ज़रूर देखिएगा। तो अब यहाँ पे जो हमने अपना सोया का जो ग्रैन्यूल्स को रखा हुआ था वो अब मैं इसमें डाल दूंगी और उसको अच्छे से हमें मिक्स कर लेना है। बहुत अच्छे से हम इसको मिक्स कर लेंगे और बहुत ही डिलीशियस ये रेसिपी लगती है और बहुत ही एकदम यम्मी लगता है, सबको उंगलियाँ चाट चाट के खाएंगे इस बात की मैं गारंटी लेती हूँ। आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा, मेरे घर में तो ये सबको बहुत पसंद है। तो अभी तो ये जिस दिन बनी थी उसी दिन फिनिश भी हो गई थी, तो इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे क्योंकि सोया चंक्स में अपना खुद का कोई फ्लेवर नहीं होता है। तो ये जितना भी स्टॉक ये जो पानी निकला होता है, मैं पानी इसमें जो ग्रेवी बनाऊंगी वो इसी पानी से बनाऊंगी, और अगर लगता है तो फिर एक्स्ट्रा थोड़ा सा पानी भी डाल सकता है, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। अगर आप इस पानी को यूज़ नहीं करना चाहते तो आप नॉर्मल पानी भी इसमें डाल सकते हैं। बस डालेंगे थोड़ा सा हरा धनिया, इन सभी को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें मैंने टेस्ट किया था तो मुझे थोड़ा सा नमक कम लग रहा था, तो बस मैंने ऊपर से एडिशनल नमक डाला है। अब ढक के इसे 5-10 मिनट के लिए पका लूँगी।
अब यहाँ पे हम कीमा पाव बना रहे हैं, तो अब मैं यहाँ पे पाव की तैयारी कर रही हूँ। तो मैंने एक फ्राइंग पैन में लिया है थोड़ा सा बटर, और उसमें डाला है मैंने क्या बोलते हैं थोड़ा सा ऑयल डाल दिया था जिससे मैंने बटर जले ना, उसमें लाल मिर्च और हरा धनिया डाला। अब पाव को जो है ऊपर नीचे अच्छे तरीके से चारों तरफ से सेक के तैयार कर लेंगे। और कीमा, इस वाली कीमा के साथ में, सोया चंक्स की कीमा के साथ में पाव बहुत अच्छा लगता है। ये गोवा की रेसिपी है, वेज रेसिपी है ये। तो अब मैं इसको सर्व कर लेती हूँ कीमा को। देखिए कितना लाजवाब लग रहा है, बहुत ही डिलीशियस से बन के तैयार हुआ था और ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी था। ऊपर से थोड़ा सा बटर डाल रही हूँ एक्स्ट्रा फ्लेवर के लिए, दिखने में भी अच्छा लगेगा और टेस्ट में तो फिर बटर तो लगता ही अच्छा है। हरा धनिया डालेंगे ऊपर से, थोड़ा सा डेकोरेट कर लेंगे। ये देखिए कितना यम्मी लग रहा है ना। आई होप आपको मेरी आज की ये रेसिपी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो साथ में जो मैंने पाव सेका था उसको रख देती हूँ, और ये हमारा यम्मी सा कीमा पाव, वेज कीमा पाव बन के तैयार हो गया है और बहुत ही डिलीशियस लगा था, सबको बहुत पसंद आता। आप ज़रूर ट्राई कीजिए, आपको भी ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी और बहुत ईजी है इसे बनाना। और पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलती हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।